वेलकम बैक टू माई चैनल। तो तुम्हारी मोस्ट अवेटेड वीडियो आज आ गई है कि कैसे तुम लोग इंग्लिश का सिलेबस जो है फुल इंग्लिश लिटरेचर 7 days में कैसे कंप्लीट करने वाले हो। तुम सब मुझे बहुत गुस्सा होती थी, ये वीडियो आप डाल नहीं रहे थे, हमारे रिवीजन के 3 दिन निकल गए। पर देखो, ये जो वीडियो है ना, इट्स नॉट ओनली फॉर द रिवीजन स्टूडेंट, ये वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए है, 10th class का हर एक मेरा वो बच्चा जिसको इंग्लिश जल्द से जल्द समय में कंप्लीट करनी है। मुझे नहीं पता तुम आज करो, मेरे प्लान में करो, मेरे प्लान के बात करना। ये 7 days में तुम्हारे को एक सच्चाई दिखा रही हूँ कि विद माय वीडियोस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डालूंगी, लिंक्स डालूंगी हर एक आपके चैप्टर का, विद दोज वीडियोस विद द इंग्लिश ऑन फायर प्लेलिस्ट आप लोग 7 days के अंदर, देखो इंग्लिश का सिलेबस तुम्हारा बहुत वास्ट है, मैंने क्लास 12th के बच्चों का 5 दिन में सिलेबस कंप्लीट करवाया है, हर एक ने करा और इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके इंग्लिश के अंदर, लिटरेचर के अंदर, हैंड रिटन नोट्स भी मैंने उनको प्रोवाइड करे, तुम्हारे लिए भी मैं बनाऊंगी इफ आई गेट द गुड रिस्पॉन्स। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो लेटर टू गॉड हो गया, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी हो गया, आपका भोली चैप्टर हो गया, तो जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें से क्वेश्चन जिनकी वेटेज ज्यादा है उनके मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी बना दूंगी। ओके, तो ऑल यू हैव टू डू इज टू शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट, सो दैट If I will think that yes, 10th class student wants handwritten notes, I'll make it for you guys. Okay, तो English on Fire playlist description box में given है, सारे links given है chapters के, तुम्हें बस 7 दिन लेकर बैठनी अपनी English की किताब और अपनी कॉपी, वो भी सिर्फ हद से हद 2 से 2.5 घंटे के लिए, एंड यू विल किल ऑल दीज चैप्टर इन द वे आई विल बी टेलिंग यू राइट नाउ। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल ही रेडी हो जाओ अपने इंग्लिश को खल्लास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर। 7 दिन में दीदी करवाएंगी इंग्लिश का सिलेबस खल्लास। ठीक है, तो पहले दिन हम बहुत धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, पहले दिन हम लेंगे अपना चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वो ट्रिकी, वो डॉगी था ना ट्रिकी, वो वाला चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर आपने एनसीईआरटी में से आज तक ये चैप्टर रीड नहीं भी करा है तो भी कोई दिक्कत की आपको बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट नहीं वीडियो का लिंक डाल रही हूँ सीधा, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी उसकी वीडियो है हद से हद 10 से 15 मिनट की, उस वीडियो को तुमने देखना है। उस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रखे हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रिपेयर करना है। डन, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कंप्लीट करने में मैक्सिमम टाइम जो एक स्टूडेंट को लग सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न करने के बाद, दैट इज 45 मिनट्स, और तुम बहुत स्लो हो तो 60 मिनट्स। ठीक है, 1 घंटे में तुम्हारा ये चैप्टर हो सकता है कंप्लीट। मैं यहाँ लेके चल रही हूँ कि तुम लोग दिन में 7 आवर की सेल्फ स्टडी तो करते हो, 7 आवर की सेल्फ स्टडी तो मिनिमम है ना, तो दिन में 2.5 आवर या कह लो आप 3 आवर पढ़ के भी आप इंग्लिश का सिलेबस जो है 7 days में फाइनलाइज कर सकते हो, और जो बाकी का टाइम आपके पास बचेगा, बाकी के जितने भी घंटे आपके पास बचेंगे वो तुम्हारी मर्जी है, तुम उस समय मैथ्स करो, साइंस करो, इको करो, SST करो, वो आपकी मर्जी है। डन, मेरे स्केड्यूल के हिसाब से आप लोग 2.5 आवर्स के अंदर इंग्लिश का सिलेबस 7 days के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप रिवीजन मोड पे आ चुके हो, मेरे वो बच्चे जो मेरे रिवीजन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर तुम रिवीजन मोड पे आ चुके हो तो भैया 1 घंटे में हो गया रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल ले, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के, इंग्लिश ऑन फायर के, भोली के, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस के, डन कंप्लीट, 2 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया, बाकी जितना समय बचेगा उस समय पे मैथ्स करेंगे हम। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है मैं क्या कहना आपको चाह रही हूं। तो जो बच्चा सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है, लिसन टू मी, जिसको सिलेबस को कंप्लीट करना है, यानी कि जिसने पहले कभी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और ये सब चैप्टर्स पढ़े ही नहीं हैं, उसको हार्डली 2.5 आवर लगेंगे, या कोई स्लो स्पीडर हुआ तो उसको 3 घंटे लगेंगे पूरे दिन में इनको कंप्लीट करने में। और अगर कोई रिवीजन मोड पे है, रिवीजन मोड पे अगर तुम हो तो तुम्हारे लिए प्लेलिस्ट है इंग्लिश ऑन फायर बाय सिमरन सहानी, डन, उसके हिसाब से तुम्हें 1 घंटे में ही ये सब कंप्लीट कर सकते हो आप। ठीक है, तो रेडी हो जाओ फर्स्ट डे पे, खड़े क्या हो, लेकर आओ कॉपी पेंसिल, जल्दी से नोट डाउन करो, 12th वाले बच्चों ने भी करा था। ठीक है, फर्स्ट डे पे यू विल डू चैप्टर नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीडबुक है उसका चैप्टर भोली, छोटे छोटे से चैप्टर है, बहुत जल्दी इनको तुम किल कर सकते हो। वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखोगे जो इंग्लिश ऑन फायर में ऑलरेडी है, ठीक है, वो आप लोग कंप्लीट कर लोगे। जब आपके ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे, बिफोर गोइंग टू बेड रात के टाइम पे कभी भी आप लोग ये दोनों पोएम खोलना, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, आपने वर्ड सुने छोटी बच्ची प्यारी प्यारी पोएम है ये, 10-10 मिनट के अंदर तुम इन पोएम के मेरे एक्सप्लेनेशन देखना, कुछ भी नहीं है,
बहुत आसान है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बार बार रिपीट होते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देख लेना जाके इंग्लिश ऑन फायर में से एंड डन। एक घंटे के अंदर डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर नाइस एक साथ कंप्लीट हो सकती है। मान लो एक घंटे में तुमने भोली कर लिया और एक घंटे में टाइम फॉर सर्जरी कर लिया, 3 घंटे पढ़े हो तुम दिन में, कंप्लीट 3 चैप्टर डन। अब आते हैं हम अपने डे वन का काम, जब तुम कर लोगे 3 घंटे तुमने अपने 3 चैप्टर्स को दे दिए, उसके बाद आप मैथ्स करोगे, उसके बाद खाली नहीं बैठे हैं, मैथ्स करोगे। आ जाओ अब आप डे टू पे। डे टू पे तुम लोग लोगे द थीफ स्टोरी, ठीक है, और उसके साथ में चैप्टर लोगे द हैक ड्राइवर। थीफ स्टोरी कौन सी थी? वो हरी सिंह वाली, वो जो बच्चा था, ठीक है, और हैक ड्राइवर कौन सा था? वो जो पागल बना देता है ना उस लॉयर का, उसको पूरा दिन घुमा के, वो वाला चैप्टर आपका हैक ड्राइवर। डन, ये 2 चैप्टर्स आपके हो गए, ईजी हैं ये। थर्ड चैप्टर आप इसके साथ लोगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये जो आपका सेकेंड डे है, इस पर तुम्हें अपनी अटल कंसेंट्रेशन दिखानी है, तुम्हें अपनी पावर दिखानी है, पावर दिखाओगे तुम सब अपनी कि मैं इन 3 चैप्टर्स को किल करके रहूँगा, और किल करने का तरीका मैं तुम्हें बता रही हूँ, वीडियो देख लेना इन सब की, हार्डली 20 मिनट्स की वीडियो है इन सब की, ठीक है। सबसे पहले NCERT मत खोलना, कुछ मत करना, तीनों की वीडियो देख लोगे आप लोग। उसके बाद यू विल टेक अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, एक पेपर लोगे आप, उस पर लिखोगे चैप्टर का नाम द थीफ स्टोरी, ठीक है। फिर आप मेरी इंग्लिश ऑन फायर वाली जो प्लेलिस्ट है उसको खोलोगे, उसमें से थी स्टोरी के मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए होंगे उन सबको इस पेपर पे टेस्ट फॉर्म में कर लेना कंप्लीट चैप्टर। बस मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना, ठीक है। फिर ऐसा ही काम आपको हैक ड्राइवर के साथ करना है, एंड देन विद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। पेपर पे चाहे आप 3 क्वेश्चन लिखना, जैसे मैं शॉर्ट क्वेश्चन बोलती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर गिवन होते हैं, चाहे मैंने 6 कराए हैं तो उनमें से 3 लिख लेना, बाकी सबको सिर्फ रिवाइज कर लेना, बोल बोल के लर्न कर लेना, यू विल बी फुली डन विद दीज चैप्टर्स, ठीक है। तो आपका सेकेंड डे पे क्या टास्क हो गया हमारा? थीव स्टोरी, हैक ड्राइवर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 3 घंटे में आराम से ये चैप्टर्स कंप्लीट हो सकते हैं, डन। डे टू भी हमारा हो चुका। डे थ्री पे बहुत प्यारा चैप्टर है नेकलेस, वो झटका लगता है ना मैडम फ्रॉस्टियर, वो डायमंड नेकलेस नकली होता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो 10 साल अपने लाइफ के वेस्ट कर देती है, मेहनत कर करके बिल्कुल काम वाली हो वाला जीवन वो जीती है, मेड की तरह उसे रहना पड़ता है, बट उसको एंड में ये पता चलता है वो जो डायमंड का नेकलेस था वो फेक था, एंड उसने लोन लिया था उस नेकलेस के लिए, तो एवरीथिंग दैट हैपेंड इन दैट चैप्टर वो बिल्कुल ही फनी और कॉमिक बन जाता है लास्ट में। तो उस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब इंग्लिश तो ना यार ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको बर्डन लगे पढ़ने में, इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं हमारे इंग्लिश के। सेकेंड चैप्टर मेकिंग ऑफ सेंटेंस, ये है भाई थोड़ा सा बोरिंग, तो इसमें क्या है, इसके तो सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने हैं, उसकी वीडियो मैंने कल डाली है, सबसे ज़्यादा 1 मार्क क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन डाले 35, वो कर लिए डन, कुछ और करना ही नहीं है तुम लोगों को, समझ रहे हो, तो मैंने बहुत इजी कर दिया तुम्हारा काम। नेक्स्ट डे पे नेकलेस मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट करोगे आप लोग, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से घबराना मत, बहुत ही थियोरेटिकल सा चैप्टर है, मैंने पढ़ा रखा है, एक बार पढ़ लेना, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गए वो लर्न करना। आफ्टर दैट यू विल कम टू द 2 पोएम्स, अ टाइगर इन द जू एंड अमांडा, ठीक है, इनका रिवीजन बैच मैं आपका स्टार्ट करूंगी, उसमें मैं तुम्हें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी इनके, दैट विल कम इन योर MCQ फॉर्मेट, ठीक है। तो पोएम हमारी अब स्टार्ट होने वाली है, अ टाइगर इन द जू अमांडा, ये कॉम्बिनेशन मैंने क्यों रखा है, बिकॉज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ईजी एंड क्वाइट डिफिकल्ट पोएम्स, ठीक है। डे 3 का टास्क भी तुम्हें मिल गया है, डन। अब आ जाओ डे 4 पे, डे 4 पे तुम करोगे द प्रपोजल, वो चैप्टर जिससे काफ़ी बच्चे बहुत डरते हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बट दिस इज़ अ वेरी यू कैन से दैट बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। एक लड़का था और एक लड़की थी, लड़का जाता है लड़की के घर पे उसके लिए रिश्ता मांगने, बट रिश्ता मांगने के बजाय दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगते हैं, इतने में लड़की के फादर भी आ जाते हैं, वो भी लड़ने लगते हैं, डन। फिर इनकी एक बार लड़ाई ख़त्म होती है, वो दोबारा से लड़के को घर में बुलाते हैं, जब उन्हें पता चलता है, गर्ल को पता चलता है ये तो मेरे से रिश्ता मांगने आया था और मैं इससे लड़ रही हूँ, वो दोबारा उसको घर के अंदर बुलाती है, तो उनके डॉगी को लेकर उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है, बहस मतलब लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़का कहता है मेरा डॉगी ज़्यादा अच्छा है, लड़की कहती है मेरा डॉगी ज़्यादा अच्छा है, और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, बट एट द एंड उसके जो फादर है आके दोनों का ऐसे हाथ एक दूसरे के ऊपर हाथ के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं ठीक है तुम्हारी शादी होगी, मैंने रिश्ता पक्का कर दिया, बस होल स्टोरी यही है इस चैप्टर की और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बाकी इस चैप्टर के अब तुम कहोगे दीदी 1 मार्कर होते हैं इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए 1 मार्कर मैं करवाऊंगी तुम्हें, शॉर्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगी, लॉन्ग मैं कराऊंगी, बस इस चैप्टर की वीडियो देख लो तुम लोग सबसे पहले जाके, एंड देन रेफर द इंग्लिश ऑन फायर प्लेलिस्ट, डन।
अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, अ वेरी स्वीट चैप्टर, सेरेमनी एट बनारस, वेरी शॉर्ट चैप्टर बुद्ध की लाइफ के बारे में, उसमें बताया। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी उसके क्वेश्चन आंसर्स की, वन मार्क क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से फॉर्म करके मैंने डाले और लॉन्ग आंसर, तो वो वीडियो आप देखना, डन है ये चैप्टर। देन वी विल डू द पोएम एनिमल्स, तो बहुत ईजी है ये, प्रपोजल करोगे, सेरेमनी एट बनारस बहुत छोटा चैप्टर है, और फिर एनिमल्स करके सो जाना या फिर मैथ्स करना, ठीक है। तो आपका डे फोर तक का प्लान रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आ जाओ डे फाइव पे, आप लोग क्या करोगे, डे फाइव पे यू विल डू अ लेटर टू गॉड, वेरी इजी चैप्टर, पता है बहुत बार आप कर चुकी होगी ये चैप्टर्स, हम ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, हम स्टार्टिंग पे पढ़े रहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पे, आगे वाले आप करते ही नहीं हो, इसलिए मैंने आगे वाले चैप्टर्स पहले डाले हैं और ये चैप्टर्स लेटर टू गॉड ये सब बाद में डाले हैं। डे फाइव पे यू विल डू अ लेटर टू गॉड, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एंड योर पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, इससे तुम्हें डर लगता है, ये भी बहुत आसान पोएम है, बिल्कुल बच्चों वाली पोएम है ये, जैसे कोई नर्सरी क्लास की पोएम होती है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वैसी पोएम है ये। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना, मैं तुम्हें वन मार्क क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी, तुम्हें बस उन्हें लर्न करके एक पेपर पे परफॉर्म करना है एंड कंप्लीटेड, ठीक है। ये आपका थर्ड टास्क हो गया, एंड ऑन द होल बता रही हूँ मैं तुम्हारे को, चाहे तुम अगर इसको इन सबको फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो ना, तो भी बस दिन के 3 घंटे लगेंगे तुम्हें इन्हें कंप्लीट करने में। लेटर टू गॉड तो 40 मिनट्स में भी कंप्लीट हो सकता है, सपोज कर लो तीनों को तुमने एक एक घंटा दे दिया, एक घंटे में लेटर टू गॉड फुल कंप्लीट, एक घंटे में टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, एक घंटे में टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, तो क्या दिक्कत है, 7 दिन के अंदर पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट डे 6 के ऊपर, आप पढ़ोगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द 100 dresses एंड द बॉल पोएम, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट डे 7 के ऊपर, डे 7 पे आप पढ़ोगे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, येस ये 3 parts में तो है, बट ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है, छोटी छोटी स्टोरीज हैं, इन तीनों के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इंग्लिश ऑन फायर में बना चुकी हूँ, अगर आप उतने कर लोगे सफिशिएंट है। प्लस आप सेकंड करोगे मैडम राइड्स द बस, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक लड़की है छोटी सी जो दोपहर में बस में बाहर घूमने चली जाती है, ये ना तुम्हारे लेवल के चैप्टर्स नहीं है, बहुत आसान चैप्टर्स है ये, 10th class हो रहे हैं तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है, 40 मिनट्स में भी तुम इनको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट यू विल स्टडी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, माई फेवरेट चैप्टर, एंड इसमें जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर्स है, उसकी मैंने वीडियो बहुत पहले बना दी थी, तो उनको आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम फिर से, डे 7 पे हमारे, मैं डे 1 से दिखाती हूँ, डे 1 पे ये चैप्टर्स हो गए हमारे, ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, भोली, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। डे 2 पे थीव स्टोरी, हैग ड्राइवर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। डे 3 पे नेकलेस, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, टाइगर इन द जू, अमांडा। डे 4 पे प्रपोजल, सरमन एंड एनिमल्स। डे 5 पे लेटर टू गॉड, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। एंड डे 6 पे नेल्सन मंडेला, 100 dresses, बॉल पोएम। एंड डे 7 पे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द बस, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और ये जो नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ईजी लैंग्वेज में, बिकॉज अगर आप बुक से पढ़ने बैठोगे तो मैं बहुत कन्फ्यूजिंग लगेगा, तो आई एम सजेस्टिंग ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई नो आई मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ मेरी वीडियोज़ पे, कि तुम अगर NCERT नहीं खोलो और डायरेक्ट वीडियो से ही चैप्टर पढ़ रहे हो, मैंने डिटेल में तुम्हें पढ़ाया, समरी नहीं पढ़ाई है कि आके बस एक बार बता दी, नो, डिटेल में चैप्टर पढ़ाया, बोर्ड पे भी नोट्स लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर लिखे हुए हैं, तो इतना करोगे आप सफिशिएंट है, ठीक है, 100 marks के लिए सफिशिएंट है, डन। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, इंग्लिश ऑन फायर प्लेलिस्ट को चेक कर लो, यू विल सी हाउ मच वर्क वी हैव डन टिल नाउ, डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने, बहुत सब लोगों ने देखी तो है, बट दोबारा देखना, जब आप कोई चैप्टर पढ़ोगे दोबारा, लेटर टू गॉड पढ़ो, दोबारा लेटर टू गॉड के ऊपर वीडियो देखना, वीडियो आता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, 2x पे करके देख लेना, स्पीड तेज करके थोड़ी, कि 20 मिनट की वीडियो तो 10 मिनट में तुम्हारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा, एंड देन टेक द इंग्लिश ऑन फायर प्लेलिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करें कंप्लीटेड। बट एक और चीज़ मैं तुम्हें बताने चाहती हूँ, इफ़ यू वॉन्ट दैट, अब तुम्हारा डे 1, 2, 3 ये जो भी डेज के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रहे होगे, इवन आई विल गिव यू टास्क एंड हम लोग लाइव आके इनका टेस्ट लेंगे, जैसे मैंने क्लास 12 स्टूडेंट्स के साथ करता। सो इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू कंडक्ट लाइव टेस्ट ऑफ इंग्लिश, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। तो 7 दिन के अंदर रेडी हो जाओ, सिलेबस कंप्लीटेड था तो रिविजन करने में तो ये हलवा चीज़ है बिल्कुल, और अगर शुरुआत भी अगर कोई बच्चा कर रहा था जो रो रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, 7 दिन में इंग्लिश कंप्लीट कर दो, फिर साइंस की भी ऐसी वीडियो बनाएंगे और SST की भी ऐसी वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल ही मार्च के अंदर जो 0 पे भी था ना उसका भी सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। ओके सो बाय, टेक केयर एंड लेट्स मीट।